शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और मस्ती तुझे चढ़ गई है, नशे में वो नहीं तू है। रमजान मेरे यार, दो घूंट पीकर तो देख दीवाना हो जाएगा। ना मुझे दीवाना होना है, ना मैं तुझे दीवाना बनने दूंगा। रमजान, कभी कभी इंसान को जीने के लिए, कभी सांस लेने के लिए पीना पड़ता है। साले नशा तोड़ दिया, दो कौड़ी की तबाह कुंदन के कोठे पर आई है। माल चाहिए ना तुझे? ये ले, ये ले, ये ले। अरे रमजान में इतनी ईमान की ताकत है कि वो दोस्ती के नाम पर जिंदगी भर तमाचे खा सकता है, अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा सकता है। निकाल ले अपने गुस्से की भड़ास, मार मुझे। अरे देख क्या रहा है मेरे यार, मारता क्यों नहीं? अरे मार मुझे। मैं कितना नीच हूं रमजान, मैं अपने हाथों को काट कर रहा। कसूर इन हाथों का नहीं, कसूर उस कमबख्त शराब का है। नहीं रमजान, नहीं, ये उस शराब का नहीं, ये उस कमीनी औरत का जादू है जो मेरे सर चढ़ के बोल रहा है। अरे समझने की कोशिश कर मेरे भाई, उस बेचारी की कोई जरूर मजबूरी हो। अगर मजबूरी थी तो जान क्यों नहीं दे दी? उस गंदी जिंदगी से तो मौत कहीं बेहतर थी। रमजान, एक बार जिसे कोठे की हवा लग जाए ना, उसका इज्जत की हवा में दम घुटने लगता है। बड़ी कमजात है ये औरत, बड़े बड़े महारिषियों की तपस्या भंग कर देती औरत, दुनिया के हर झगड़े फसाद बुराई की जड़ है ये औरत। औरत होश में आ कुंदन, जबान को लगाम दे। अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक औरत को बदजात, कमजात, औरत जात कहता है? अरे बड़े बड़े पैगंबरों, अवतारों और पीरों को जन्म देने वाली औरत है, जिस देवी माँ की तो दिन रात पूजा करता है, वो भी एक औरत है। अरे जिसके लिए तू रोता है, आंसू बहाता है, वो माँ जिसने तुझे जन्म दिया, वो भी एक औरत है। हाँ मेरे भाई, औरत है। साले काम के वक्त में पानी पीता है? माई बाप, प्यास बड़े जोर की लगी थी। रामजादे मौजूरी करता है। नहीं बच्ची, साहब मरा गई तो मर गया। जंगा हुकुम, काम खत्म होने के बाद इसकी लाश को जलवा देना। जो सेठ जी, मरने वाले को कफन भी दिया जाता है। ठीक है, इन पैसों से इसके लिए कफन खरीद लेना। कफन देकर लाश खरीदने वाले सेठ, ये सौदा इतना आसान नहीं है। तो कहना क्या चाहती है औरत? मुरारी के बीवी और उसके बच्चों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है। इस देश में कानून सरकार का चलता है। चुप! मैं किसी कानून वालों को नहीं मानता। तुम सब लोग अपने अपने काम पर जाओ। ठहरो, मुरारी भी तुम्ही में से एक था। कल फिर किसी की औरत बेवा होगी, कल फिर किसी का बच्चा यतीम होगा, कल फिर किसी का घर बर्बाद होगा। तब तक इन लाशों से मुंह फेर कर जाते रहोगे? हम काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे।
की वजह से हमारा काम रुक गया? नेट, यस डैड, मजदूरों से बस्ती खाली करवा लो और उस बुढ़िया को ठिकाने लगा दो। अरे यहाँ शोर मचाओगे तो वहाँ की आग बुझ जाएगी। अरे रिपोर्ट लिखवाओ, सीढ़ी बम्बा बुलवाओ। अरे साहब देर हो जाएगी तो अंधेर हो जाएगा, वो बदमाश बस्ती जलाकर राख कर देंगे, उन्हें जल्दी जाकर गिरफ्तार कीजिए। ऐसा कैसे गिरफ्तार कर ले? आपका राज है क्या? हमारे डिपार्टमेंट में सारा काम कायदे कानून से होता है। क्या कायदा कानून? अब आराम से बैठ के दिगंबर को अपनी रिपोर्ट लिखवाओ। तुम्हारा नाम? जी रामलाल। आपका नाम? श्यामलाल। बस्ती में कब से रहते हो? अरे साहब, बाप दादा के जमाने से रहते आ रहे हैं, मगर हम लोग ये बस्ती नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। माँ जी, ये आवाजें यहीं रहने दीजिए, बस 15 मिनट और ठहर जाइए, तब तक सारा काम तमाम हो जाएगा। रतन भाई, अगर तुम न मिली होती तो शायद मैं अस्पताल से जिंदा वापस ना आ पाता। दीदी, तुम्हारे ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। फेंक दे बुढ़िया को नीचे। बेटी देखो वहां कौन किसको फेंक रहा है। हाय 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 हाय, कोठे की बहार वीराने में कब से डूबे हैं तेरे प्यार के पैमाने में। जनमन, आज तेरे होंठ और मेरी प्यास के दरमियान कोई नहीं होगा। छोड़ दे मुझे कमीने। छोड़ दे मेरे बच्चे को। छोड़ दे मुझे। छोड़ दे मुझे। मुखर्जी। बाबा। कुंदन बेटे तू। बाबा। अच्छा होगा बेटा तू मिल गया। अभी अभी अफ्रीका के सेठ का वो बदमाश छोकरा सोना को उठाकर ले गया। आप नहीं जानते बाबा, सोना एक तबाह बन चुकी है, कोठे पर नाचती है। उसे बदमाश नहीं उठाकर ले जाएंगे तो कौन ले जाएगा? ये सच नहीं है बेटे, ये सच नहीं है। तो फिर जो कुछ मैंने अपनी आंखों से कोठे पर देखा वो झूठ था, सपना था। काश तूने सोना पे इल्जाम लगाने से पहले हकीकत जान ली होती, उसके दिल का दर्द पहचान लिया होता। तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई तेरे सामने है बेटे, जिंदगी के रूप में एक फेफड़े पर खड़ी हुई जिंदा लाश। सोना ने मुझे ही बचाने के लिए पैरों में घुंघरू बांधे थे। अगर एक बूढ़े बाप को बचाना तेरी नजरों में गुनाह है, पाप है, तो अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मैं तुझसे नहीं मांगूंगी। बाबा मुझे माफ कर दो बाबा, कुंदन के होते हुए सोना की इज्जत पर 5 नहीं आएगी बाबा, 5 नहीं आएगी।